हेलो दोस्तों मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है जैसा कंटिन्यू अभी आपको क्या इलेक्स्ट्रेटर के बारे में बता रहा हूं उसी में नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं हम जो भी कुछ टाइप करते हैं पैराग्राफ टेस्ट के अंदर तो उसमें हम क्या करते हैं टैप्स का यूज़ कैसे करते हैं होता है हम चाहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम कॉलम वाइज लिखें पहला टेस्ट जैसे तेस नंबर है एक कॉलम में आए नेक्स्ट उसके आगे आए उसके बाद वाला टेक्स्ट में आया उसी को हम टैप सेटिंग बोलते हैं उसको हम कैसे करते हैं चलिए आपको बताता हूँ इलेक्स्ट्रेटर पर हम टैप सेटिंग कैसे करते हैं तो अभी मैंने क्या किया नॉर्मल नॉर्म टेस्ट ले लिया ठीक है अब हम चाहते हैं इस बारे में हम टैब की सेटिंग करें सपोज़ हम क्या कर रहे हैं हम चाह रहे हैं अभी जो तो टेक्स्ट हमारा यहाँ से आ रहा है हम चाहते नहीं ये ये जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ से आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो नॉर्मली आपको क्या करना है विंडो के अंदर आना है और विंडो के अंदर नीचे जब आएंगे यहाँ आपको टाइप दिखेगा टाइप में जब आएंगे आगे सबसे अच्छा आपको टैप दिखेगा जिसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी या तो आप यहाँ से क्लिक कर लें अदरवाइज क्या करें आप

देखिए हमारा टेस्ट क्या है यहाँ से शुरू हुआ है और जो हमारा टेस्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ है जो हमारी रूलर होती है उतनी बड़ी रूलर हमारी बनती है ये देखिए सेम टू सेम आपकी यहाँ से शुरू हुई और जहाँ से ख़त्म हुई और जो इसका ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर हम टैब्स लगाते हैं जहाँ से आपकी टेस्ट स्टार्ट हो और उसके अलावा भी क्या होता है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आपका ये ये पोजिशन पैनल एब है मतलब ये जो आपका जो ये रूलर ये टैब है टैब वाली बार है ये आपकी ऊपर आनी चाहिए अब हम चाहते क्या है यहाँ पे अब देखिए हमारे टैब यहाँ से यहाँ तक आ रही है अब हम जैसे देखिए हमने क्या किया इसका टेक्स्ट बॉक्स को हम छोटा कर रहे हैं ठीक है थीके? अभी क्या ये इतना बड़ा है अब इसको देखिए मैं बंद करके दोबारा से मैं क्या करता हूँ विंडो के अंदर जाता हूँ टाइप में जाता हूँ और टैब दबाता हूँ आप देखिए क्या ऑटोमेटिक हमारा जो ये जो हमारा बॉक्स था टैब वाला हमारा जितनी टेक्स्ट बुक की चौड़ाई थी उतने में ही ये आ गया ये देखिए देख रहे ये जितने में था उतने में ही आ गया अब देखिए मैं क्या करता हूँ अब इसकी टेक्स्ट बुक चौड़ाई में बढ़ा देता हूँ लेकिन अब देखिए क्या हो गया हमारा ये रूलर ये रूलर छोटा होगा लेकिन हमारे बॉक्स बड़ी होनी चाहिए लेकिन हमारा रू, रूल क्या बोलता है हमारे जितनी टेक्स्ट बॉक्स की चौड़ाई है हमारा ये उतना ही होना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है हम यहाँ पे आएंगे ये देख रहे हैं आप पोजीशन पैनल एभव इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे ठीक है क्लिक करने के बाद जनरली क्या होता है ये हमारा यहाँ तक आ जाता है लेकिन किसी पोजिशन में अगर ये नहीं आता है तो उस पोजिशन में आपको क्या करना होगा इसको बंद करके आपको जैसे बताया मैंने विंडो के अंडर आना है टाइप में आना है और टैप्स में आना है जैसे आएंगे ऑटोमेटिक आप उतने बड़े का ये आ जाएगा जनरी होता है कि इस पर दबाने से आ जाता है लेकिन कभी कभी ये नहीं आता उस पर सर आपको यही करना है टैब को बंद करना है दोबारा से आपको जाकर ऑन कर लेना है तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा अब उसके बाद क्या है यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखिए चार लाइन दे रखी है अब यहाँ पर दे रखा है क्या है क्लियर ऑल टैब्स अगर हम टेक्स्ट पर क्लिक किए जैसे हम जब तक हमें क्लिक नहीं करें एक्टिव नहीं होगा तो आपको टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ आना है अब यहाँ होता अगर पहले से कोई टैब इसमें लगी हुई है तो आपको क्या करना है अगर तो उस सारे टैब्स को आपको हटा देना अगर आपका वो यूज नहीं है तो यहाँ पर क्लियर ऑल टैब्स करेंगे तो हट जाएगी <coughs> सॉरी तो अभी क्या एक्टिव नहीं इसका मतलब पहले से यहाँ कोई टैब लगी नहीं है और हम चाहते हैं इसमें कोई पहले से टैब लगी हुई है तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं डिलीट टैब भी कर सकते हैं और किसी टैब को मान लो आप यहाँ लगी उसको रिपीट करना तो यहाँ रिपीट टैब भी कर सकते हैं अगर पहले से लगी है तो अभी एक्चिव कोई लगी नहीं है नहीं दिखाएगा और स्नैप्टूनिट अब ये स्नैप्टूनिट स्नैप मतलब होता है चिपकना अब क्या किसी चीज़ से चिपक के जाना चाहिए स्नैपिंग होना चाहिए तो स्नैप टू यूनिट होना चाहिए ये तो होगी यहाँ से अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो देखना आप समझने वाली है सबसे पहला जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड टैप मतलब हमारा जो जो भी टेक्स्ट हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट टैप होता है मतलब नॉर्मल जो अलाइनमेंट आप देखते हैं लेफ्ट वाली वो हमारी लेफ्ट से होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्या होती है सारी लेफ्ट ही होती है उसका जो सेकंड वाले देख रही है सेंटर जस्टिफाइड टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट आएगी हमारा जो भी अगर कॉलम वाइज आता है तो क्या से आएगा हमारा सेंटर से आएगा और नेक्स्ट है आपका राइट जस्टिफाइड हमारा कुछ भी होगा क्या राइट से जस्टिफाई होगा हमारा और जो नेक्स्ट आपका डेसिमल जस्टिफाइड टाइप इस डेसिमल जस्टिफाई क्या होता है आपका मान लगे ऊपर नीचे कोई भी नंबरिंग लिखा आपने अगर सिंगल डिजिट है वन टू नाइन लिखा तो वो एक के नीचे एक ही आएगा आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जैसे ही आपने नाइन के बाद टेन किया उसके आगे जाकर हमने हंड्रेड किया थाउजेंड किया तो उसमें होता है कि हमारा टेस्ट जो सारा लेफ्ट ऊपर नीचे तक लेफ्ट हो जाता है और राइट की तरफ निकल जाता है वो देखने में थोड़ा गंदा लगता है उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आके आप डे में जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को चले मैं आपको आगे बताऊंगा अब तो चलिए सबसे पहले मैं क्या है टैब स्टार्ट करता हूँ कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले टैब लगाने के तो लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इस चीज़ को अभी मैं चलिए क्या करता हूँ सेंटर में कर लेता हूँ ऊपर टेक्स्ट को और यहाँ तो आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं तो सबसे पहले क्या कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें और कंट्रोल ले करके सेलेक्ट कर लें अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अभी के बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैब यहाँ से स्टार्ट हम चाहते नहीं हमारा टैब का हो यहाँ से स्टार्ट हो तो आप क्या करें यहाँ पर एक बार आप क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद क्या है यहाँ पर सबसे पहले आप शुरू में की बोर्ड से आप क्या करें होम प्रेस करें और यहाँ ले जाएँ तो आप देखिए पहला लाइन जो आपका क्या है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अब उसी तरह देखिए यहाँ पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ आपको चाहिए आपका कर्सर को क्या करें होम में ले जाए और यहाँ से स्टार्ट करें इस तरह आपका क्या है पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट आपका हो जाएगा ये आपके है फर्स्ट जस्ट ज एक तरह से जर्ण, जनरली आप लोग क्या देखते हैं जो फर्स्ट अलाइनमेंट होती है आपकी आप जो खोलते हैं अलाइनमेंट आप यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रही है अब लोग चाहते नहीं जो हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारा एक टैब आगे से स्टार्ट हो जैसे कि हमारा जनरली होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं हम सेलेक्ट ऑल करा और यहाँ से हमने एक नेक्स्ट टैब ले लिया जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो हम उससे क्या होगा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये ये तो हो गया नॉर्मल हमारा एक सिंगल टैब वाला अब हम चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको अब मान लें हमारे पास कुछ टेक्स्ट है ठीक है अब इसको मैं टैब को बंद कर रहा हूँ थोड़ा समझाता हूँ आपको हमारे पास कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट है सपोज ये नंबरिंग है, है हमारा वन से लेकर के वन टू थ्री फोर फाइव थ्री सेवन एट नाइन टेन यहाँ तक नंबरिंग है उसके बाद हमने क्या, क्या किया कुछ हमारा वर्ड लिखा हुआ है तो अभी मैंने सिंपली दिखाने के लिए आपको क्या किया ए बी सी डी करके आगे नीचे आ, आ, आई तक लगा दिया हमने सॉरी जे तक लगा दिया और नेक्स्ट हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं फिफ्टी हंड्रेड वन फिफ्टी ऐसे करते करते हमने ट्वेल्व हंड्रेड तक नंबर ले लिए हैं उसके बाद नेक्स्ट टैब में हमने क्या किया कि लोनाविशम टेक्स्ट ले लिया तो हम क्या क्या चाहते हैं नंबर हमारा एक के नीचे एक है उसके बाद ए बी सी डी है नेक्स्ट कॉलम में उसके बाद नंबर हमारा फिफ्टी टू लेके ट्वेल्व हंड्रेड एक में है और नंबर लो रहे हैं सब टेक्सट है हमारा नेक्स्ट कॉलम में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेम विंडो मन जाएंगे टाइप के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम टैब ओपन कर लेंगे जैसे ओपन करेंगे हमारा देखिए टैब जितनी बड़ी टेक्स्ट बॉक्स थी हमारी यहाँ से यहाँ तक ओपन हो गई अब हमें क्या है सबसे पहला क्या है हमारा जो टैब है हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसको आप कंट्रोल ए कर लें अब कहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट टैप मान लो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था हमने क्या किया सपोज सब थोड़ा आगे गया यहाँ लगा दिया हमने उसके बाद हमारा दुआ दूसरा वाला टेक्स्ट क्या ए बी सी डी वाला उसको थोड़ा दूर यहाँ लगा दिया नेक्स्ट है हमारा क्या नंबरिंग वाला उसको अब थोड़ा आगे लगा दें उसके बाद लोरा वम्सअप उसके बाद थोड़ा आगे लगा दें दे। यहाँ लगा दिया हमने अब चलिए हम क्या करते हैं पहला टैब हमने कहाँ लगाया था यहाँ पर लगाया था अब उसको चेक करना है तो आपके कंट्रोल आर ले जिससे रूलर आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ साइड से गाइडलाइन लें और जहाँ से आपने लगाया था वहाँ एक लगा लें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और देखिए हमने पहला टैब कहाँ यहाँ लगाया था तो आप क्या करें टेक्स्ट के पहले नंबर पहले टैब ले जाए क्लिक करें और कीबोर्ड से टैब जो सबसे लेफ्ट में आपको दिखेगा कैप्स लॉक के ऊपर टैब दबाते जाए देखिए आप फर्स्ट वाले टैब के आगे चला जाएगा बस सब के आगे कर्सर से क्लिक करो कीबोर्ड से आप क्या करें टैब प्रेस करते जाएँ जो आपका टैब आपको कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में आपको कैप्स लॉक के ऊपर दिखता है बस कर्सर वहां ले जाना हो एक एक बार टैब आप दबाते जाएँ देखिए आप सा क्या हो गया आपका जहां से स्टार्ट था वहां चला गया और आपका दूसरा टैब कहाँ यहाँ से स्टार्ट है आपको चेक करना है तो आप क्या करिए गाइडलाइन ले यहाँ से इसके ऊपर आप लगा दें अब क्या करें ये देखिए दूसरा टैब आपका कहाँ था यहाँ पे देखिए आप बस वहाँ कर्सर ले जाए और कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करते जाए अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ टेन का नंबर आगे बढ़ा हुआ है यहाँ पे टैब की स्पेसिंग कम पड़ गई है तो हमें क्या है ये इस वाले टैब को थोड़ा और आगे खिसकाना पड़ेगा उसके लिए क्या करें आप क्लिक करके कंट्रोल ए करें, करें। और इस वाले जो टैब तक सेकेंड टैब को थोड़ा सा आगे खिसका दें जैसे खिसकाएंगे सारा का सारा टैप देखिए टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक आगे खिसक जाएगा अब क्या जो ये वाला टैक्स था जो चिपक रहा था उस वहाँ क्लिक करें और एक बार टैप दबा दें आप देखिए क्या हो गया हमारा एक लाइन में आ गए अब हमारा नेक्स्ट टैब है हमारा तो आप क्या है उसके लिए आप उसको भी गाइडलाइन लगा के चेक कर लेते हैं आपको पता चल जाएगा आप देखिए ये वाला टैब का यहाँ पे चिपक रहा है तो उसके लिए आप क्या करें कंट्रोल ये करें और इस टेक्स्ट को हम टैब को हम थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं जो कि ये चिपके नहीं है आपको जहाँ तक लगे खिसका लें आप उसके बाद क्या करें आप जहाँ भी है सामान्य नेक्स्ट हमारा कथ है ए बी सी डी तो हम पहले क्या लेते ए बी सी डी तो आप क्या करें ए के पहले जाए बाद में जाए यहाँ नंबर लगाएं बी के बाद सी के बाद जहाँ से आपको नेक्स्ट टैब करना वहाँ जाकर कीबोर्ड से क्या करें टैब को प्रेस करते जाएं और आके ऑटोमेटिक आगे वो खिसकते चला जाएगा ये तो हो गया आपका ये वाला टैब अब उसके बाद आपका क्या आ रहा है नंबर फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड फिफ्टी वन फिफ्टी टू हंड्रेड इस तरह से ट्वेल्व हंड्रेड तक तो हमें क्या इसको भी टैब में डालना था तो ये आपकी क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है आपकी ये अब हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है लोरे यहां लोरे यह यह यहां यहां तो तब यहाँ से देखिए हम क्या लोरेमसन को ऑटोमेटिक ये टैप यहाँ पर जैसे यहाँ क्लिक करके टैप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर चला जाएगा सेट होके वो बस कर्सर से क्लिक करें और यहाँ से क्या करें आप टैप प्रेस करते जाए अब यहाँ यहाँ पे क्या हो गया हमारा स्पेस कम हो इससे सेम वही प्रोसेस करें कंट्रोल ए करें और इस वाले टैब को क्या करें थोड़ा से आप आगे खिसका दें इस तरह से क्या है इस इस टैब को खिसका के आप आराम से कहीं भी एडजस्ट आप कर सकते हैं आपको जितना खिसकाना इजिली आप खिसका सकते हैं एक्चुअली <coughs> यहाँ पर देखिए थोड़ी स्टैप क्या लेफ्ट के लिए दिख, दिख रही है इसलिए दिख रही है अभी एक्चुअली इसको मैंने थोड़ा हिला दिया तो इसलिए वो आपको लग रही है ये जब मैनेज कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको देखिए जिसके सामने टैब थी उसके सामने ये दिख जाएगी ऑटोमेटिक ये ये देखिए सारा टैब क्या है आपके यहाँ होगी अब लास्ट वाले यहाँ पे आके आप कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दें इस तरह देखिए आपकी इस कार्य की टैब सेटिंग आपकी हो गई अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अब वो क्रिएट कैसे कर सकती है उसके लिए मैं दिखाता हूँ अब देखिए सबसे पहले अभी मैं गाइडलाइन को हटा देता हूँ जो आपको कन्फ्यूज कर रही है इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार रहा हूँ अब देखिए क्या एक के दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है एक के नीचे एक लेकिन जो दस है आपका ये क्या राइट की तरफ खिसक जा रही है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है जनरली नंबर क्या होता है हमेशा राइट right से अलाइन होता है हमारा नंबर हमेशा राइट right होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट ऑल करा जो इस वाले टैब पर जो हमारा फर्स्ट टैब है उस पर क्लिक करा और इसमें देखिए ये जो आपको सबसे लास्ट वाला दिख रहा है डेसीमल जस्टिफाइड टैब ये स्पेशली होता हमारा क्या है डेसीमल मतलब नंबर के लिए इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये क्या करेगा आपको जो टैब होगा ये ऑटोमेटिक उसको क्या करता है ये राइट से कर देता है ये वाला टैब देख रहे हैं राइट से कर देता है लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है आपसे कभी किसी कोई नहीं होता है तो आप क्या करें यहाँ से राइट जस्टिफाइड कर दें राइट जस्टिफाई करने से क्या होगा आपके राइट से जस्टिफाई करेगा उसके बाद आप क्या करें इसको थोड़ा सा खिसका लें आप बाहर अंदर की तरफ जहाँ तक जा रहा है उसका जब अंदर खिसकाएंगे देखिए ऑटोमेटिक आपका क्या है जो नंबर था टेन देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऑटोमेटिक क्या किया नाइन के नीचे आके राइट से अलाइनमेंट हो गया मतलब राइट से सारा हो गया उसी तरह जैसे देखिए आपको यहाँ पे नंबर वाला चीज़ है नंबर जनरली क्या होता है हमेशा राइट से होता है जैसे फाइव जीरो है तो वन जीरो है तो आप इस इस तरफ से अलाइन होना चाहिए ये जी यहाँ से है ये कि फाइव यहाँ से होना चाहिए लेकिन अभी क्या लेफ्ट अलाइनमेंट होने से क्या हो रहा है सब कुछ लेफ्ट में जा रहा है देखो यहाँ गंदा लग रहा है तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना होगा राइट अलाइनमेंट करना होगा या तो जैसे बताएं अगर आपका ये काम कर रहा है डेसिमल जस्टिफाइड तो यहाँ से आप कर सकते हैं बाय में अगर ये काम नहीं करता तो आप क्या करें यहाँ से राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट करना है उसके लिए आपको क्या करना हो सबसे पहले आपको टैब को सेलेक्ट करना होगा अभी आपका थर्ड वाला टैब कौन सा ये वाला इस पर क्लिक करना और यहाँ से देखिए आप राइट जस्टिफाई करना है जैसे ही करेंगे आपका क्या राइट से अलाइनमेंट हो जाएगा अब आप इस टैब को क्या करें खिसका दें जहाँ पर आपको चाहिए था उस टैब को वहाँ खिसका के ले जाए और देखिए आप क्या हो गया सारा का सारा टेक्स्ट क्या है राइट से आपका एक के नीचे एक आ गया ये देखिए इस तरह से आपका फिफ्टी के नीचे जीरो 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 अब ये सब एट थाउजेंड आया अब ये भी क्या है राइट से अलाइन कर दिया इस तरह से क्या कर सकते हैं आप किसी किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट से जैसे भी अलाइन करना आप ईजिली आप कर सकते हैं तो जो आपको देखने में भी, भी अच्छा लगेगा अब ये देखिए यही टेक्स्ट था हमारा नंबर वाला इसने राइट से कर दिया अब ये हमारा अल्फ़ाबेट था अफ़ाबेट हमेशा लेफ्ट से होता है इसको लेफ्ट रखा हमने नंबर हमेशा राइट से होता है राइट रखता है जैसे ये हमारा लेफ़्ट से होता है लेफ्ट रखा इस तरह आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आके आप जो भी आपको चाहिए जब टैब लेफ्ट टैब चाहिए राइट टैब चाहिए सेंटर टैब चाहिए ले सकते हैं आप और इसमें किसी टैब को अगर आप सेंटर रखना होता है तो आप सेंटर भी रख सकते हैं अब सेंटर रखना है तो वो कैसे रखते चले वो भी आपको करके दिखाई देता हूँ उसके नंबर हमने क्या किया यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया ठीक है और हमें चाहते क्या है हम ये जो नंबर वाला टेक्स्ट है हमारे सेंटर अलाइनमेंट हो मतलब हंड्रेड जो वन जीरो जीरो है उसके सेंटर में आ जाए फाइव जीरो तो आपको क्या है सबसे पहले आप ये हमारा थर्ड वाला टैप सेलेक्ट करें आप और यहाँ से देखिए ये वाला आपका सेंटर जस्टिफाई है अब इसको सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा खिसका के एडजस्ट कर दें अब देखिए क्या हो गया आपका ये ये सारी एक दूसरे के बीच में सेंटर आ गई जैसे टेक्स्ट की सेंटर अलाइनमेंट होती है वो अब देखिए ये ये जो चीज़ था जैसे आपको दिखाना जिस चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा था आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लाइन बना रहा हूँ मैं आपको अब आप देखिए क्या हो गई ये सब कुछ एक दूसरे के नीचे सेंटर अलाइनमेंट हो गई पहले हमने क्या किया था राइट से किया था इधर से हमने किया था अभी हमने क्या किया है सेंटर कर दिया तो आपकी क्या होगी सारी टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट हो गई इस तरह से आप क्या कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से आप टैब सेलेक्ट करके लेफ्ट लेफ़्ट जस्टिफाई या सेंटर जस्टिफाई या राइट जस्टिफाई कर सकते हैं और बाकी ये जो डेसिमल वाला था जैसा मैंने आपको बताया राइट सेड था लेकिन कभी कभी ये काम नहीं कर पाता है तो उस पोजीशन में आप क्या करें आप यहाँ से राइट जस्टिफाई आप ले सकते हैं तो इस तरह ईजिली आप क्या कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे चार टैब दे रखे हैं लेफ्ट सेंटर राइट और ये डेसीमल जस्टिफाई यहाँ से ईजिली आप कर सकते हैं इससे क्या होगा आपको किसी भी टेक्स्ट को आप ईजिली आप क्या है को कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं टैप सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपको क्या टाइम बचेगा आप एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके नहीं करना पड़ेगा एक चीज़ को करेंगे भी तो आपको क्या उसे हो क्लियरिटी नहीं आएगी उसके ऊपर तो इस तरह आप क्या कर सकते टैप का सेटिंग का यूज़ करें बार बार देखें आप उसे प्रैक्टिस करें दो चार पाँच दस पैराग्राफ ले लें उसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका क्या होगा टैप के ऊपर उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी होती चली जाएगी तो ये था हमारा आज का वीडियो टैप के ऊपर अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद